अगर आप YouTube पर बिना फेस दिखाए वीडियो बनाते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि थंबनेल कैसे बनाएं, तो टेंशन मत लो, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे आपका ही फायदा होगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं कैनवा को ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हो मैं अपने थंबनेल को कैनवा से ही डिजाइन करता हूँ। चलिए थंबनेल बनाने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है, फ्रेम पे क्लिक करके सबसे पहले आपको अपने थंबनेल का बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब आपको अपने वीडियो का टॉपिक लिखना है, जो भी हो। तो मेरे वीडियो का टॉपिक है कि बिना फेस वाला थंबनेल कैसे बनाएं, तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना है, इसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थंबनेल। देख सकते हो मेरा टेक्स्ट एकदम सिंपल है, इस तरीके से टेक्स्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, किस तरीके से टेक्स्ट ऐड करना है बस ध्यान से देखते जाओ। मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि उस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में क्या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करके सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल में थंबनेल लिख लेता हूँ ये। अब इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि फॉन्ट भी बहुत मैटर करता है हमारे थंबनेल को क्लिकबेट बनाने के लिए। तो आपको ध्यान से देखना कि मैं कौन सा फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉन्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर दोस्तों मैं ये वाला फॉन्ट यूज करने वाला हूँ। इसे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ी। आप देख सकते हो कि इस टेक्स्ट की लंबाई और इस टेक्स्ट की लंबाई एक बराबर है, लेकिन सही टेक्स्ट कौन सा है आप खुद समझ सकते हो। तो चलिए नीचे वाला टेक्स्ट सही है, मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं जूम करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट पे क्लिक किया, बोल्ड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो समझ गए ना, आपको बोल्ड फॉन्ट ही यूज करना है। तो चलिए मैं कुछ और भी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ फटाक से। आप हिंदी फॉन्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है और फॉन्ट कौन सा यूज करना है ये भी बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। चलिए मैं यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो ऐड कर लेता हूँ ताकि पता भी चले यार कि किसका थंबनेल बनाना है। ठीक है, तो मैं प्लस पे क्लिक किया। वैसे तो मैं अपने गैलरी से ला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद YouTube का लोगो बना करके रखा हूँ। अगर आपको ना मिले तो टेंशन मत लेना, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पर आपको YouTube टाइप कर देना है, सर्च कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पर YouTube के लोगो आ गए। ठीक है, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स चाहिए, फुटेज चाहिए, तो यहाँ पर आप सर्च करके मंगा सकते हो, समझ गए ना। अब मैं इसे छोटा करके यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ग्राफ चाहिए क्योंकि भाई क्रिएट थंबनेल और फिर ग्राफ ऐड कर दूंगा तो दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो ग्राफ ऐड करने के लिए देखो, वैसे तो आप यहाँ से भी खोज सकते हो, एलिमेंट्स पे क्लिक करके, सर्च बार पे क्लिक करके। इसको हटा देता हूँ मैं पहले, यहाँ पर लिख सकते हो एरो ग्राफ, देख सकते हो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर आपको खोजने पर ना मिले तो टेंशन नहीं लेना है, देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, कलर सिलेक्ट कर लेना है जिस भी कलर से आपको ड्रॉ करना हो। तो यहाँ पर मैं पूरा ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, सिलेक्ट कर लिया और थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ से आप साइज भी बढ़ा सकते हो जितना आपको मोटा करना हो। ठीक है, मैं 10 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। मुझे एक और ग्राफ चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं अभी रिसेंट में यूज किया हूँ तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये वाला ग्राफ। इसे मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर अच्छी तरीके से ऐड कर लेता हूँ। अब जान लेते हैं कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करें भाई और कौन सा कलर होना चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पर मेरा ये वाला व्हाइट मैं रखता हूँ तो ऊपर वाले को मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो मैं कलर पे क्लिक किया, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि अब मेरा थंबनेल दिखने में अट्रैक्टिव लगने लगा अभी से ही, जो कि पूरा अभी नहीं बना भाई। अगर आप अपनी वीडियो में अपना फेस रिवील नहीं करते हो तो मैं आपको कुछ ग्राफिक्स बताऊंगा जिन्हें आप अपने थंबनेल में यूज करके अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करके आपको टाइप करना है मैन, सर्च कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पर कई प्रकार के मैन के जो है तो ग्राफिक्स आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये वाला ग्राफिक्स ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हो अभी इसका फेस दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके फेस के ऊपर मार्क्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं रिसेंट में यूज किया था ये वाला,
मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। मार्क्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना मनपसंद कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो है नमस्त, आप भी कुछ इसी तरीके से विदाउट फेस थंबनेल को डिजाइन कर सकते हो। इसके डिजाइन को मैं थोड़ी और अच्छी तरीके से क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा थंबनेल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, है नमस्त। अगर आपको हिंदी टेक्स्ट ऐड करना है तो हिंदी टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। हिंदी टेक्स्ट के लिए प्लस पे क्लिक करना है, इसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी इंग्लिश कीवर्ड है तो यहाँ पर मैं इंग्लिश इंडिया पे लॉन्ग प्रेस किया, पहले हिंदी कर लिया। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ कैसे बनाएं, जूम कर लेता हूँ, इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अभी जाओ मत, इसका फॉन्ट भी चेंज करना है। तो फॉन्ट कौन सा यूज करना है, यहाँ पर आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है। हो सकता है आपको हिंदी फॉन्ट ना मिले तो टेंशन नहीं लेना है, सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पर आपको इंडिया टाइप करके सर्च कर लेना है, ठीक है, ये वाला फॉन्ट यूज कर लेना है। क्लोज कर देता हूँ, अब इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब इसको मैं रोटेट करके कहीं पर भी अच्छी तरीके से सेट कर सकता हूँ। इस थंबनेल में आपको जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ मैं कैनवास ही यूज किया हूँ। आपको करना क्या है कि प्लस पे क्लिक करना है, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, सर्च बार पे क्लिक करके जिस भी टाइप का आपको ग्राफिक्स या फिर इमेज चाहिए तो यहाँ पर आपको सिंपल उसका नाम सर्च कर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश से ही टाइप करना है, ठीक है, चाहे जो चाहिए आपको। बाकी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चाहे को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थंबनेल रेडी होने के बाद एरो पे क्लिक करना है, इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर से डाउनलोड पे क्लिक करके आपको थंबनेल को सेव कर लेना है। अगर आप पिक्सेल लैब से थंबनेल बनाना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। चलिए मिलते हैं शोरूम, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।